मई की आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज सैंपल अभी तक 111 सैंपल भेजे गए और अभी तक कुल 4371 सैंपल भेजे गए। आज 6 व्यक्ति मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस तरह से आज तक कुल 85 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। आज अभी तक जो 99 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है उसमें 2 लोग नए पॉजिटिव पाए गए। एक मोहम्मद खालिद हैं 29 साल के और मोहम्मद इरशाद 21 साल, ये कंटेनमेंट क्षेत्र के ही लोग हैं। बचे हुए एक्टिव केस अब 77 हैं। कुल संक्रमित अभी तक 170 हो गए हैं। 8 लोगों की मृत्यु हुई है। 7,500 लोग करीब होम क्वारंटाइन है। 223 लोग संस्थागत क्वारंटाइन है। 17 हमारे कंटेनमेंट क्षेत्र हैं। ये हमारी रेगुलर जो जानकारी है वो है। इसके अलावा अब 17 तारीख के बाद जो लॉकडाउन के नए नए जो लॉकडाउन होना है, लॉकडाउन 4, उसमें बहुत सारी चीज़ें अब खुल जाएंगी। जैसे कि जो निजी अस्पताल हैं, निजी क्लिनिक हैं, वो अब सब खुलेंगे कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर सभी अस्पताल खुलेंगे। उनके साथ बैठक भी हो गई है। उनके लिए एक SOP भी आ गई है कि किस तरह से उसके लिए निर्देश रहेंगे। वो फीवर क्लिनिक अलग बनेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कुछ फीवर क्लिनिक रहेंगे और हमारे जो जिला अस्पताल है और अन्य जो हमारी शासकीय डिस्पेंसरी हैं या CSC PSC हैं, वो फीवर क्लिनिक के तौर पे काम करेंगे। जो निजी अस्पताल हैं वो भी अपना अपना इलाज करेंगे और कुछ में फीवर क्लिनिक रहेगा और कुछ जिनमें फीवर क्लिनिक नहीं भी रहेगा उसमें एक कुछ रूम्स रहेंगे जो कोविड के लिए रहेंगे कि अगर कोई कोविड के सिम्टम्स वाला आ जाता है तो उसको फिर वहाँ पर वो रखेंगे, टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट की किट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दी जाएगी, वहाँ से भी टेस्ट होंगे, रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के आधार पे वो फिर अगर माइल्ड सिम्टम्स वाला है तो कोविड केयर सेंटर में और मॉडरेट सिम्टम्स वाले हैं तो जो हमारा हेल्थ केयर सेंटर है, मतलब जैसे जिला अस्पताल है हमारा, विक्टोरिया है, रेलवे हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, या हम 4-5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स से एग्रीमेंट करेंगे वहाँ पर भेजा जाएगा। और कोई सीवियर होगा जिसको दिक्कत ज़्यादा है तो वो फिर मेडिकल कॉलेज जाएंगे। तो ये पूरा सिम्टम पूरा सिस्टम जो है हमारा बन जाएगा। सभी निजी अस्पताल क्लिनिक खुलेंगे, इलाज होगा, बाकी बीमारियों का भी इलाज होगा। कोविड में सतर्कता के साथ हम काम करेंगे लेकिन दोनों चीज़ों के बीच सामंजस्य हमें बनाना होगा। इसी तरह से हमने 78 हमारे शहर की वार्डों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में हम बांट रहे हैं। हमारे जबलपुर महानगर को उसमें रेड जोन में बहुत ज़्यादा और कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लगभग जैसा अभी है वैसे ही रहेगा। ऑरेंज में हम कुछ चीज़ों को रिलैक्सेशन करेंगे और ग्रीन में कुछ ज़्यादा चीज़ों का रिलैक्सेशन करेंगे। उस पर जनप्रतिनिधियों से, व्यापारिक संगठनों से सबसे हमारी लगातार बात हो रही है, लोगों के सुझाव मिल रहे हैं और लोगों के सुझाव के साथ हम उसको फाइनल जो है टच दे रहे हैं और फाइनल टच दे के फिर 17 को ही हम वो पूरी चीज़ों से सभी लोगों को अवगत करा देंगे किस तरह से उसमें काम करेंगे। निश्चित तौर पे जो हमारे अन्य प्रतिष्ठान हैं, अन्य जो हमारी दुकानें हैं जहाँ वो उनको या तो होलसेल की दुकानें हैं डिलीवरी करने के लिए या सप्लाई चेन को बनाने के लिए या आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हों, इन सब चीज़ों के बीच और कोविड का भी ध्यान रखा जाए, एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। उस सामंजस्य के आधार पर हम ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन में अपने 78 वार्डों को तय करेंगे और उस हिसाब से निर्देश जो है 17 को सारी चीज़ें वस्तु स्थिति जारी हो जाएगी। जो स्थिति है आप सबको पता है कि हमें लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है, डरने की कोई बात नहीं है। अधिकांश लोग हमारे यहाँ स्वस्थ हुए हैं। अभी की स्थिति में भी हम देखें तो हमारे एक्टिव केस 77 हैं और 85 स्वस्थ हो चुके हैं। तो जितने हमारे यहाँ एक्टिव केस हैं उससे ज़्यादा स्वस्थ हो चुके हैं। कल भी 8-10 लोग स्वस्थ होकर घर जाएंगे। तो लगातार लोग स्वस्थ हो रहे हैं। समस्या केवल वहाँ हो रही है जहाँ पे बहुत लेट बताया जा रहा है या बहुत विलम्ब से जो है हम हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद भी हम चीज़ों को जानकारी में हमारे स्वास्थ्य विभाग के नहीं ला रहे हैं, वहाँ पे समस्या हो रही है। अब उसमें भी सुधार है, लोगों का सहयोग पहले से अधिक मिल रहा है। हम लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे कंटेनमेंट हमारे क्षेत्र हों और बाकी के जो बाहर से लोग काफ़ी आ रहे हैं अभी
चाहे वो मजदूर भाई हो, चाहे छात्र छात्राएं हो, चाहे तीर्थयात्री हो, चाहे अन्य लोग जो फंसे हुए थे, उनसे भी हम लगातार सैंपल उनके लोगों के ले रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहर में भी, जिससे कि हम, क्योंकि संक्रमित लोग बाहर से आ सकते हैं, तो उसको हम लगातार उनके सैंपल ले रहा है, जिससे कि जहाँ भी स्थिति निकल के आएगी उसको फिर वहीं पे कंटेन करेंगे। बाकी आगे की स्थिति के लिए हमने तैयारी भी करके रखी है कि कोविड केयर सेंटर बहुत ज़्यादा चाहिए रहेंगे हमको, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अधिकृत करना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज में और अच्छी व्यवस्थाएँ चाहिए रहेंगी कोविड के लिए, अन्य इलाज भी होती रहे, उस पर हमारी तैयारी लगातार चल रही है और उसको हम अपडेट कर रहे हैं। हमको लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है, 2 गज की दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, बाहर आवश्यकता होने पे ही निकलें, नहीं तो नहीं निकलें, घर में ही रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक रहें, और ऐसा ही सहयोग आप सभी करते रहें। धन्यवाद। आपने हमारा चैनल राष्ट्रवाण सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।